हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, और जानने की कोशिश कि आपके पर्सन क्या फील करें। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि फुल मून की एनर्जी है, ग्रहण की एनर्जी है, और एक्चुअली देखा जाए तो भारी हैवीनेस एनर्जी में है। आपको ये एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज़्यादा लॉस की फीलिंग दे रही है, फिर भी इसे डरना नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेटिंग चेंज आपकी लाइफ में ज़रूरी था, बस इसे संभालना है अपने आप में। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स में, उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या चेंजेस आ सकते हैं इस ग्रहण और फुल मून की एनर्जी में। तो जब भी मैं कैंडल जलाऊँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए, उनका नाम याद कीजिए, सो दैट हम उन एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। क्या फीलिंग्स, एक मस्त फ्लावर बना, जुड़ गया। ओहो मस्त, खूब खूब भलो। जो भी ड्रॉप्स गिर रहे ना, जो जैसे ना एक तो फ्लावर में कन्वर्ट हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। मुझे जिस तरह से आईज दिख रही है, लाइक स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्पाइन की एनर्जी। एंड स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग। आपको इमेजिन करना, आपको फील करना, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। ये खुद भी नहीं जानते कि अचानक से इतनी ज़्यादा क्रेविंग आपके लिए क्यों हो रही है, क्यों। और स्पेशली ना आप ही चाहिए, आप ही, ये एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप ही चाहिए। हो सकता है किसी रिलेशन में हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, जो भी है, बट अगर किसी के साथ होना है, किसी के साथ अपने आप को देख रहे हैं, तो वो सिर्फ आप हो। मुझे स्वैन बर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। खेल, मुझे ऐसा लग रहा कोई गेम खेल रहे थे, या फिर नहीं, ऐसा लग रहा कि कुछ खेल चल रहा था, कुछ गेम चल रहा था उनके साथ, या वो आपके साथ खेल रहे थे, या पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा ना कि इनके साथ कोई खेल रहा था। ये बहुत बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है, अभी समझ में आ रही है, तगड़ी थी। इस इंसान का ईगो है ना, बहुत ज़्यादा एक वजह है ये रिश्ते में जो सेपरेशन है ना, बहुत ज़्यादा ईगो की एक वजह है ना ये। जब बहुत पकड़ के बैठे थे ना कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं पॉसिबल है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ या कंट्रोल कर सकती हूँ, ये जो उनको लगता था या लगता था स्पेशली पहले, वो अभी नहीं लगता है। वो अभी वो फीलिंग्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम, मतलब खुद को ही मुझे, हाँ ये जो है ना सेल्फ कॉन्टम्पलेशन मोड, कि अपने आप को आईने में देखना बहुत ज़्यादा है। वो एक तरह होता है ना कि अपने आप को बस निहारने के लिए आईने में देखना, बट मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी है ना कि खुद का मिरर सेल्फ, लाइक खुद को ही देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या गलती की है, मैंने ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने ये नहीं बोलना चाहिए था। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा ना, ये अगर आपके साथ अभी भी उल्टा पुल्टा बिहेवियर कर रहे हैं या निगेटिव बिहेव कर रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज आपको ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि उनको कैसा है ना कि आपको तोड़ना है, मतलब
उनको आपको जलाना है, आपको ट्रिगर करना है, आपको गुस्सा दिलाना है, आपको मतलब जानबूझ के हर्ट करना है, बस मतलब उनको खुद को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये जो आप नहीं हो, आपकी एनर्जी नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे ना पता नहीं कैसे जिराफ जैसा फील हो रहा है, जिराफ हो गया मतलब कुछ लोगों ने ना गर्दन ऊंची रखना वाली चीज़ से जस्ट स्ट्रेट रखना, बेंड नहीं होना वगैरह, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी समा मुझे फील हो रहा है, झुकना नहीं है ऐसे काइंड ऑफ। जिराफ का मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे जो फीलिंग है ना कि झुकना नहीं चाहता, लेकिन फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। और ख़ास करके ये जो मिरर दिख रहा है सामने, मिरर दिख रहा है, तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे खा रही हैं। एक तो पता नहीं क्यों अचानक से आपके लिए क्रेविंग्स हो या आपके लिए जो चाहत है वो अट्रैक्शन है वो बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है एक तरफ, सॉरी थ्रोट चक्रा में उनकी प्रॉब्लम है डेफिनेटली, अभी तक ब्लॉकेजेस हैं। तो एक तरफ ये जो फीलिंग्स हैं, क्रेविंग्स हैं, अट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरी तरफ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कंट्रोल अभी तक ऐसा लगता है कंट्रोल में थे या कंट्रोल में हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, मतलब एक अजीब सी खिंचातानी खुद के अंदर ही चल रही है, खुद के अंदर ही। एट नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आज का, वैसे भी डेट है, बट यहाँ पे अगेन मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट एनर्जी नज़र आ रही है, और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इस तरह से स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, एक कपल का इमेज बन रहा है डेफिनेटली, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मुझे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी दिख रहा है, यहाँ पे एक हार्ट बन रहा है, यहाँ पे हार्ट, तो ऐसे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मुझे यही फील हो रहा है ना कि इनका दिल तो पिघलेगा ये कुछ भी कोशिश करे, ये डिवाइन जस्टिस की बात है, ये डिवाइन यूनियन की बात है, बस आपको ना अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको अपने ऊपर सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशंस करने हैं, क्योंकि ये अगर चाहे ना तो आपको मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन, ये जो एनर्जी है ना, इनकी क्रेविंग्स, अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग है कि लिटरली आप वहाँ बैठे, मतलब ये यहाँ हैं वहाँ बैठे, आप दूर इतना है फिर भी ये आपको वो फील करा सकते हैं कि वो आसपास है, इतनी इनकी एनर्जी स्ट्रांग है। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, लिटरली रोने वाली एनर्जी हो सकती है, अचानक से फील हो सकता है कि मतलब बहुत बेचैनी, बहुत मन कर रहा है बात करने का, मिलने का बहुत मन कर रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। अपने आप को स्टेबल रखना है, शांत रखना है, हो सके तो आज जितना हो सके पानी ज़्यादा पिए। जब भी आपको ऐसे इमोशनली ड्रेन आउट फील करें ना, इमीजिएटली वहाँ उस जगह से उठना है, पॉसिबली थोड़ा एक राउंड मारना है बाहर, पॉसिबल होगा तो, लेकिन एक ब्रेक लेना है, एक वॉक लेना है थोड़ा सा, तो एक उस जगह से उठ के शांत रहने के पानी पीना है, स्पेशली सिप सिप करके ना, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है शांत रह के। जो भी आपको शांत देता है मन को, वो जाप, जो भी आप कसम मानते हैं वो सुनिए, हीलिंग म्यूजिक सुनिए, बहुत ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि ये एनर्जी ना आपको इतनी डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि इनका चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था, वो हो रहा है, ख़ास करके अपनी जो सच्चाई हो या किसी और की सच्चाई सामने आना हो, ये सब चीज़ें हो रही है, और उसकी वजह से ये जैसे ना आपकी साइड समझ रहे हैं, हो सकता है किसी वजह से आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और इन्होंने आपको गलत समझा था या आपको नकारा था या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, अब ये चीज़ें उल्टी हो रही है, मतलब उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी है, मतलब आपको ना चूज़ करके, आपको गलत समझ के, इस बात का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है।
मुझे गिफ्ट काइंड ऑफ लाइक ना कुछ तो जेस्चर हो सकता है इनकी तरफ से, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस मून का, ये फुल मून का असर हो या ये जो असर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो होगा ही होगा ही। बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फ मतलब कह रहे ना खुद का मिरर में अपना अस्तित्व या इनर सेल्फ दिख पा रहे हैं या यूनिवर्स दिखा रही है, हालांकि ये देखना नहीं चाहते बट दिखा रही है, लिटरली दिखा रही है। मुझे लगता है इनको ना आपके बाल बहुत पसंद है। दूसरा चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनको देखना इनके इनके नहीं आपके आसपास रेड कलर है, इनके आसपास रेड कलर है, पता नहीं क्या रेड का कनेक्शन है बट कलर या स्पेशली मुझे यस रेड, कुछ तो चोट लगी हो, कुछ तो वो वाली ब्लड लाइक चोट लगी हो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आई डोंट नो, बहुत कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके पर्सन का ना कुछ तो छोटा मोटा एक्सीडेंट या कुछ चोट लगी है, वो कुछ लोगों के लिए एकदम स्पेसिफिक है, कुछ तो चोट लगी है ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग, ब्लड निकल रहा है। इस एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे लेटर डी, लेटर सी, लेटर यू लेटर जे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। और नंबर्स में मुझे 8 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, 1 नंबर ये ज़्यादा दिख रहा है, दो ज़्यादा दिख रहे हैं। स्ट्रांग एनर्जी, बहुत पावरफुल स्ट्रांग एनर्जी। आपको खा पाऊँ सी यहाँ पे जो इमेज बनी है एकदम ऐसा, वो एक क्लोज वाली इमेज बन रही है जैसे एक हक कर रहे हो कपल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है जैसे अट्रैक्शन और इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इच्छा स्ट्रांग है। लेट्स सी कि इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। एक्शन इनकी तरफ से एक्शन, 8 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन भी है, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी मुझे फील हुई है अचानक। हो सकता है कि कम्युनिकेशन रिसीव हो ही बट संभल के बात करनी है, भावना में बहना नहीं है, पेशेंस। 14 नंबर 2 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पिरिचुअल यूनियन, पेशेंस। स्टैंड ऑन द ग्राउंड, ऐसे करते हैं। ये है वो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी अगेन, हार्मनी और हार्ट चक्र। सी यहाँ पे दोनों भी आए हैं आज खास दिन पे, दोनों भी आए, स्पिरिचुअल यूनियन एंड हार्मनी। लवर्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, डेफिनेटली ये कमिंग टुगेदर, ये गेट टुगेदर होके ही रहेगा। ये जो यूनियन है ये रीयूनियन होकर रहेगा। ये इनका जो पेशेंस रखे हुए ना, ये जो बैलेंस लाने की कोशिश में है या पेशेंस रखे हुए हैं, ये सबर का बांध टूटने वाला है, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे ज़रूर, क्योंकि वो एहसास हो रहा है ना कि उन्होंने क्या गलती की है या आपको क्या गलत समझा है। तो अभी आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, 4 ऑफ वैंड्स, तो आप ही के साथ वो स्टेबिलिटी देखते हैं, सेलिब्रेशन देखते हैं, होम देखते हैं, एक घर वाली फीलिंग देखते हैं, एक फैमिली देखते हैं, एक शादी देखते हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा था, ये हार्ट चक्र जो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है ना, ये ब्लॉक करके रखे हैं, इसमें बदलाव ज़रूर आएंगे। 4 4 14 7 2 6
ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मुझे 8 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, तो मुझे लगता है कि विद इन 8 आवर्स और 8 डेज इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर विद इन सिक्स डेज ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है कि यूनियन यूरेनियन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स।